बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरिया। आई होप यू आर गुड। आज की रेसिपी है ग्रीन चिकन कढ़ाई। बहुत सी फरमाइशें आ रही थी इसलिए हम हरा चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जो जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो आप देख लीजिए। चिकन 750 ग्राम, प्याज 500 ग्राम, टमाटर ग्रीन 500 ग्राम, हरा धनिया एक गड्डी, हरी मिर्च 20 अदद। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली तेल 250 ग्राम, साबुत गरम मसाला जो हमने लिए हैं 2 अदद, तेज़पात के पत्ते, एक बड़ी इलायची, 3-4 लौंगे, ज़ीरा 1 टीस्पून, और ये देखें 5 से 6 अदद हमने काली मिर्च ले ली है। अब इसके बाद हमने जो प्याज ली है वो इसमें शामिल कर देंगे। प्याज जब शेलो फ्राई हो जाएगी तो हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगी तो हमने लहसुन, अदरक, मिर्ची का पेस्ट बनाया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम धनिया और नमक ये शामिल कर देंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे और 2 गिलास पानी डालकर पकने के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमने पेस्ट बनाया है हरे टमाटर का, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम शामिल करके इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें पेस्ट फ्राई हो चुका है। इसके बाद हम दही शामिल करेंगे, क्योंकि मैंने आधी प्याली दही लिया है, इसको हम दही को भी फ्राई कर लेंगे। जब ये दही फ्राई हो जाएगा तो फिर हमने धनिया और हरी मिर्च, शिमला मिर्च ली है, इसको हमने पीस लिया था, पेस्ट बना लिया है, वो शामिल कर देंगे, उसको भी फ्राई कर लेंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप, और ये डाल के 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको देख रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो गई है। माशाल्लाह से ग्रीन कलर आ चुका है और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे और अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हरी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है और जायका तो बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह ये ज़रूर आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेड सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें। अपना और अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।